छोर में आमरण अनशन पर बैठे हुए प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारों तरफ से घिरे हुए हैं, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा प्रीतम सिंह लोधी ने, आइए सुनते हैं। नहीं, कुछ मांगे मान ली है, ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं की गई है। हमारी 11 मांगे मान ली हैं, अब धरातल पर उतार रहे हैं वो। उसमें से 6 मांगे हमारी और रह गई हैं। उन 6 मांगों के लिए हम आगामी समय फिर लेंगे और फिर आंदोलन या फिर भूख हड़ताल या फिर पदयात्रा दिल्ली की अगर नहीं होगी तो पदयात्रा शुरू होगी फिर। अच्छा, लोगों में कहास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। यही क्वेश्चन तो था। अभी मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने सदस्यता ली थी ओबीसी महासभा की, आप कहो तो मैं उससे भी त्याग पत्र दे दूंगा, क्योंकि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। मेरा काम एक ही है, मैं सारी पार्टियों को एक छत के लिए लाने की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं, कि सारी पार्टियाँ जितनी भी हैं छोटी छोटी सबको एक छत के लाने के लिए सबसे मैं बात चल रही है और सबसे प्रयास कर रहा हूँ। तो आगे आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सारी पार्टियों के लोग बैठेंगे और फिर जनता तय करेगी कि आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है, और पार्टियां तय करेंगी जितनी पार्टी एक छत के नहीं जाएंगी कि कौन सी पार्टी से लड़ना है, ये तय जनता और ये तय पार्टी करेंगी। मैं निर्णय नहीं लूँगा इस पर, मतलब जनता पर निर्णय छोड़ेंगे? जनता पर निर्णय छोड़ूंगा, जो जनता बोलेगी वो वही मैं करूंगा, और जनता के लिए कर रहा हूं, इसलिए जनता पर ही निर्णय छोड़ दूंगा मैं। इतने दिन से सर आप अनशन पर बैठे हैं, तो ये आपकी मुख्य लड़ाई किससे है? मुख्य लड़ाई मेरी अभी तो प्रशासन से ही है। प्रशासन से या शासन से? शासन और प्रशासन में फर्क क्या है? शासन सत्ता होती है, प्रशासन शासन के नीचे कार्य करते हैं। अभी तो मैंने प्रशासन से बात की है, शासन से तो की नहीं अभी मैंने। अच्छा, देश में जो प्रदेश में हालात चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अभी तक आपकी सुधरी ली गई ना, आपसे पूछा गया? कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है और मुख्यमंत्री को चारों तरफ से घेर लिया है, और मुख्यमंत्री जी चारों तरफ से घिरे हुए हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कि प्रीतम लोधी पर निर्णय क्या लिया जाए और इसका फैसला क्या हो। क्या भाई साहब भाजपा में वापसी होगी आपकी? जब मैं सारी पार्टियों को एक मंच के नीचे ला रहा हूँ, उससे आपको लगता नहीं है कि ये एक मंच के नीचे क्यों ला रहे हैं सारी पार्टियाँ? मंच के नीचे ये भाजपा वाले भी आएंगे क्या? नहीं, छोटी पार्टियाँ बोला मैंने।